और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 45% मतदान हो चुका है। बालाघाट में सबसे अधिक 54% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मतदान के लिए 4 घंटे का समय फिलहाल बाकी है, लेकिन लगातार मतदान के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। भोपाल में अभी तक 32.83% मतदान हो चुका है। आगरमालवा में सबसे ज्यादा 52.73% मतदान हुआ है और वोटिंग लगातार जारी है। अशोकनगर में 48.97% तो बालाघाट में 54.47% मतदान हुआ है। अलीराजपुर की बात की जाए तो 39.65% और अनूपपुर में 45.45% वोटिंग हो चुकी है। बड़वानी में 43.28%, बैतूल में 46.60% वोटिंग हो चुकी है। बुरहानपुर में 44.61% और छिंदवाड़ा में 48.80% वोटिंग हो चुकी है। भिंड की बात की जाए तो भिंड में 40 और छतरपुर में 43% वोटिंग अभी हो चुकी है। और देखिए तस्वीरें किस प्रकार से मतदाताओं का वोटिंग करने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। और आपको बता दें कि शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और सुबह 7 बजे से मतदान लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। भिंड में 40.86% मतदान हुआ है। छतरपुर में 43.61% ही अभी मतदान हुआ है। और बता दें कि लगातार मतदान जारी है। दमोह में 49.68% और दतिया में 44.90% मतदान फिलहाल जारी है। और देवास में 50.43% और कटनी में 44.85% मतदान हुआ है। धार की बात की जाए तो यहां पर 45 और डिंडोरी में 52.05% मतदान हुआ है। हरदा में 44.86%, इंदौर में 37.42% वोटिंग हुई है अभी तक और ये आंकड़ा 1 बजे तक का है। गुना में 46 तो ग्वालियर में 36, जबलपुर में 40 और झाबुआ में 48% अभी तक मतदान हो चुका है और ये सिलसिला लगातार जारी है। दतिया में 44.90, गुना में 46.95, छिंदवाड़ा में 48.80% फिलहाल मतदान हो चुका है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ये मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 45.40% मतदान हो चुका है। बालाघाट में सबसे ज्यादा 54% मतदान हो चुका है। मतदान के लिए फिलहाल 4 घंटे का समय बाकी है, लेकिन मतदाताओं का वोटिंग करने का सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल में अभी तक 32.83% मतदान हो चुका है और आगरमालवा में सबसे ज्यादा 52.73% मतदान हो चुका है। और बता दें कि अशोकनगर में 48.97, बालाघाट में 54.47% मतदान हुआ है।